जो कि फ्रेंड आपका भाई लेके आ गया है आप लोगों के लिए एक और कमाल का वीडियो लेकर, जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्नैपशीट की मदद से दोस्तों कुछ इस तरीके का जो कि सीवी फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से जो कि आसान स्टेप में सीवी फोटो एडिटिंग करना है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, जो कि मैं यहाँ आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। चलते हैं जो कि हमारी वीडियो की ओर, जो कि दोस्तों यहाँ देख सकते हो यार फाइनली जो हमारे पिक्स को हम लोगों ने जो कि अपना लाइटरूम के अंदर सबसे पहले ऐड कर लेना है। एड कर लेने के बाद जो कि दोस्तों आप लोगों को एक प्रीसेट मिल जाएगा, जो कि दोस्तों उस प्रीसेट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वाला प्रीसेट है दोस्तों, इस प्रीसेट को आप लोगों को जो कि ओपन करके यहाँ थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाके ना दोस्तों जो कि आप लोगों को कॉपी सेटिंग का ऑप्शन हो रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप लोगों को जो कि राइट कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है, जो हम लोगों का रियल पिक है उसको ओपन करना है दोस्तों, और यहाँ उसके बाद थ्री डॉट पर जाना है और फाइनली इसके बाद यहाँ से हम लोग को जो कि पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके जो कि पेस्ट कर लेना है। फाइनली इसके बाद जो कि हम लोग का पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद हम लोग को जो कि कुछ भी नहीं करना है, शेयर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके जो कि फोटो को हम लोगों को यहाँ से कर लेना है सेव। सेव कर लेने के बाद जो कि दोस्तों इस पिक को फाइनली अब लेके जाना है हम लोगों को अपना स्नैपशॉट के अंदर, क्योंकि दोस्तों जो कि बाकी का एडिटिंग हम लोग वहीं करेंगे। तो स्नैपशॉट ओपन कर लेना है दोस्तों, यहाँ उसके बाद आप लोगों को प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है और जो हम लोगों ने अभी पिक सेव किया उस पिक को यहाँ से ले लेना है। ले लेने के बाद जो कि क्या करना है, आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा, तो यहाँ आप लोगों को जाना है जो कि टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, सबसे पहले जो कि हम लोगों का शर्ट है उसका कलर को जो कि चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों को जाना है अपना डबल एक्सपोजर पे, डबल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आप लोगों को प्लस का आइकन दिख रहा है देख सकते हो, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को एक कलर का पीएनजी मिलेगा दोस्तों, उस पीएनजी को आप लोगों को ऐड कर लेना है जो कि ये वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को ये वाला इंटरफेस हो रहा है इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ सबसे लास्ट में आ जाना है आप लोगों को, जो कि यहाँ आप लोगों को यहाँ देख सकते हो ये वाला सो रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक कर लेने के बाद जो कि यहाँ आप लोगों को राइट का आइकन सो रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेना है। फाइनली आप लोगों का पीछे जो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ऊपर पर आप लोगों को एक टेढ़ा तीर का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। फाइनली जाना है व्यू एडिट पर और यहाँ उसके बाद यहाँ डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को बीच पे ब्रश का आइकन हो जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, जो कि हम लोगों को अपना शर्ट पे कुछ इस तरीके से इसको पेंट कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, तो यहाँ देख सकते हो मैं किस तरीके से पेंट कर रहा हूँ। फाइनली आप लोगों को भी दोस्तों कुछ इस तरीके से अपना जो कि शर्ट पर इस इफेक्ट को अप्लाई करना है। सो फाइनली हाँ मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसमें जितना भी मटेरियल यूज़ करूँगा सबका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे प्रीसेट की ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग चैनल पर नहीं आते तो प्लीज़ अपने भाई को जो कि सपोर्ट करना यार, जो कि भाई आप लोग बिल्कुल ही नहीं करते। भाई मैं आप लोगों को एकदम यूनिक से यूनिक तरीके से आसान तरीके से फ़ोटो एडिटिंग सिखाता हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को एकदम आसान से आसान तरीके से फेस को स्मूथ करना या फोटो एडिटिंग सीखना है ना दोस्तों, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली यहाँ से हम लोग जल्दी कर लेते हैं जो कि वीडियोज़ को, मैं थोड़ा सा यहाँ कर लूँगा फास्ट। तो कुछ इस तरीके से पेंट कर लेने के बाद एक चीज़ देख सकते हो, हम लोग का जो शर्ट है दोस्तों काफ़ी मस्त लग रहा है। उसके बाद जो कि हम लोग को यहाँ अपना राइट का आइकन है इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद जो कि हम लोग को यहाँ से आ जाना है बैक, बैक आ जाने के बाद अब जो कि हम लोग को क्या करना है, अपना जो बैकग्राउंड है उसको फाइनली एडिटिंग करना है। इसके लिए फिर से जाना है जो कि हम लोग को टूल्स पर और यहाँ हम लोगों को फिर से जो कि जाना है दोस्तों अपना डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर लेना है, सेम प्रोसेस है। उसके बाद फिर से हम लोगों को प्लस का आइकन है इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो कि आप लोगों को एक बैकग्राउंड मिलेगा, ये वाला बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड का लिंक आप लोगों को भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ आप लोगों को ये वाला शो होगा, इस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ आप लोगों को ये देख सकते हो दूसरा नंबर का यहाँ पर जो कि क्लिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। फाइनली उसके बाद यहाँ से आप लोगों को राइट कर लेना है और उसके बाद फिर से जाना है हम लोग को अपना टेढ़ा तीर का आइकन है इस पर और यहाँ से व्यू एडिट पर और यहाँ से फिर से डबल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे और फिर से हम लोगों को अपना ब्रश पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, जो कि अपना बैकग्राउंड पे इसको हम लोगों को दोस्तों यहाँ अपना इसको 100 करके कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है देख सकते हो, जो कि काफ़ी इजी और आसान तरीके से आप लोगों का जो कि दोस्तों बैकग्राउंड एक नंबर का हो जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को अपना मॉडल का ड्रेस है उस पर मैचिंग करके भी जो कि दिखाऊँगा दोस्तों जो हमारा बैकग्राउंड है उसको, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों को यहाँ क्या करना है, जो कि कुछ इस तरीके से इस बैकग्राउंड को हम लोगों को अपना जो बैकग्राउंड है इस पर अप्लाई कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जल्दी से इसको भी अप्लाई कर लेते हैं।
सो दोस्तों यहाँ देख सकते हो बैकग्राउंड को ऐड कर लेने के बाद जो कि हम लोगों का पीक है अब काफ़ी नेक्स्ट लेवल का जो कि लग रहा है दोस्तों। फाइनली उसके बाद क्या करना है, जो कि हम लोगों को अपने राइट का आइकन इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आफ्टर ऑल देख सकते हो हम लोगों का पीक है जो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। उसके बाद जो कि हम लोग को अपने यहाँ देख सकते हो ये वाला आइकन, इस पर क्लिक करके आ जाना है। बैक आ जाने के बाद जो कि हम लोग को यहाँ और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, अपना जाना है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर और फोटो को यहाँ से कर लेना है सेव। सेव कर लेने के बाद दोस्तों इसका फेस को हम लोग करेंगे हाई एचडी में फुल स्मूथ, जो कि आप लोगों को एक नया ब्रश और यूनिक तरीके से मैं आप लोगों को जो कि फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं जो कि हमारे स्केच बुक के अंदर, जो कि दोस्तों यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल फाइनल उसको हम लोगों ने अपना स्केच बुक के अंदर जो कि ऐड कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद जो कि दोस्तों हम लोग को फेस को स्मूथ करने के लिए जाना है ब्रश वाले ऑप्शन पर। और यहाँ आप लोगों को फेस को स्मूथ करने के लिए एक मैं अनोखा एक यूनिक ही ब्रश बताऊंगा, जो कि आप लोगों को जिस तरीके से भी फेस को स्मूथ करोगे आप लोगों का ब्रश का निशान जो कि बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फाइनली दोस्तों हम फेस को स्मूथ करने के लिए अपना ये वाला जो कि ब्रश यूज़ करेंगे दोस्तों, देख सकते हो ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ब्रश का नाम देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, जो कि मैं यहाँ आप लोगों को सेटिंग भी दिखा देता हूँ। सेटिंग पर क्लिक कर लेते हैं और सेटिंग पर क्लिक कर लेने के बाद जो कि फर्स्ट सेटिंग आप लोगों को ये वाला करना है और सेकंड सेटिंग आप लोगों को जो कि कुछ इस तरीके से दोनों को कर लेना है ठीक है। ये दो सेटिंग आप लोग कर लोगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को जो कि तीसरा सेटिंग करना है जो कि यहाँ एडवांस के अंदर में ठीक है। एडवांस पे क्लिक करोगे आप लोगों को फर्स्ट वाला पे जो कि क्लिक करना है और यहाँ आप लोगों को जो कि फोर्थ सेटिंग शो हो रहे हैं जो कि इस सेटिंग को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों आप लोगों को जो जो सेटिंग बता रहा हूँ उन सेटिंगों को आप लोगों को डेफिनेटली करना है दोस्तों। उसके बाद आप लोग जिस तरीके से भी ब्रश चलाओगे आप लोगों का ब्रश का निशान बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ उसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से जूम करेंगे, ब्रश का साइज़ बड़ा करेंगे और उसके बाद जिस तरीके से भी हम लोग ब्रश चलाएंगे जो कि ब्रश का निशान नहीं आएगा। जो भी 1% आप लोगों को ब्रश का निशान देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि आप लोग खुद देख सकते हो ठीक है दोस्तों। यहाँ किसी भी तरीके से हम लोग ब्रश चलाएँगे ब्रश का निशान आप लोगों को बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी ब्रश चलाना आता होगा ना तो दोस्तों तो आप लोग एकदम हाई लेवल का जो कि फेस स्मूथ कर सकते हो ठीक है। यहाँ देख सकते हो कितना हाई लेवल का आप लोगों का जो कि फेस स्मूथ हो रहा है दोस्तों, देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से जो कि आप लोगों का फेस स्मूथ हो जाएगा इस ब्रश के मदद से, जो कि आप लोगों का पीक है भी वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल का जो कि लगेगा। तो फाइनली मैं आप लोगों को जो सेटिंग बताया हूँ अभी दोस्तों, उस सेटिंग को एक बार आप लोग ज़रूर से यूज़ करके देखो और अपने भाई को ज़रूर से एक बार सपोर्ट करके देखो। यार आप लोग सभी को तो सपोर्ट करते हो, एक बार अपने भाई को भी प्लीज़ सपोर्ट करके देखो ठीक है दोस्तों। तो फाइनली यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो कि हम लोग अपना मॉडल का फेस को यहाँ कर लेंगे स्मूथ। सो दोस्तों मैं यहाँ जल्दी से अपना जो कि मॉडल का फेस है उसको स्मूथ कर लेता हूँ, ताकि जो वीडियो हो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग भी बोर ना हो। कुछ इस तरीके से ब्रश को चला चला के हम लोगों को जो कि फेस को कर लेना है स्मूथ, जो कि दोस्तों देख सकते हो फेस को स्मूथ कर लेने के बाद जो कि हम लोगों का पीक है काफ़ी हार्ड लग रहा है। बट यहाँ एक चीज़ की कमी लग रही है हम लोग को, जो कि अपना मॉडल का लिप्स है वो ख़राब लग रहा है, तो इसको भी हम लोग सही कर लेंगे। इसके लिए हम लोग जाएंगे अपने ये वाला ऑप्शन इस पर जाएंगे और यहाँ से एक प्लस का आइकन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके लेयर क्रिएट करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो कि हम लोग को इस लेयर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ नॉर्मल की जगह हम लोगों को इसको कर लेना है सॉफ्टर लाइट ठीक है। फाइनली उसके बाद यहाँ कलर पे जाना है, जो कि आप लोग लिप्स का कलर जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। तो मैं यहाँ कुछ इस तरीके से जो कि अपना थोड़ा सा रेड तरह से रखूँगा। और यहाँ उसके बाद जो कि ब्रश पे जाना है और यहाँ ब्रश को चेंज करना है हम लोगों को। यहाँ ब्रश में आप लोगों को ये वाला रखना है दोस्तों ठीक है। यहाँ मॉडल को करेंगे जूम और यहाँ उसके बाद आप लोगों को लिप्स पे कुछ इस तरीके से जो कि पोथा पाथी कर लेना है, जो कि पेंट कर लेना है ठीक है दोस्तों, देख सकते हो। उसके बाद जो कि आप लोगों का लिप्स है वो काफ़ी मस्त तरीके से जो कि लगने वाला है, जो कि लग रहा है देख सकते हो। फाइनली लिप्स को कलर कर लेने के बाद और ज़्यादा हो जा रहा है तो आप लोगों को करना क्या है, जो कि ये वाला देख सकते हो इस पर फिर से क्लिक कर लेना है, जो लेयर बनाए हैं उस पर क्लिक करके जो कि ओपेसिटी थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है। फाइनली हो चुका। उसके बाद जो कि दोस्तों मैं यहाँ एक कुछ टेक्स्ट पीएनजी ऐड किया हुआ तो उसको भी हम लोग यहाँ ऐड कर लेते हैं। इसके लिए ये वाला अपना इंटरफेस हो रहा है देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ आप लोगों को शो हो जाएगा इनपुट इमेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ आप लोगों को लास्ट में यहाँ देख सकते हो ये वाला पे क्लिक करना है। तो ये वाला पीएनजी है दोस्तों, इसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली इसको भी हम लोग यहाँ कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर लगा लेंगे ठीक है। यहाँ हो चुका जो कि कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से राइट कर लेंगे और राइट कर लेने के बाद यहाँ हम लोग को अपने ये वाला इंटरफेसेस पे क्लिक करना है और जो यहाँ इस वाला दिख रहा है जो पीएनजी का, उस पर क्लिक करके जो कि यहाँ नॉर्मल की जगह इसको हम लोगों को ना दोस्तों
कर लेना फाइनली स्क्रीन। हो चुका हम लोगों का फ़ोटो बनकर रेडी। फाइनली बच चुका जो कि हम लोगों का कलर रिटचिंग, जो कि बैकग्राउंड को मैं आप लोगों को शर्ट पे भी मैचिंग करके दिखाऊंगा। तो क्या करेंगे, जो कि यहाँ से हम लोगों को अपना देख सकते हो थ्री डॉट पे क्लिक करके फाइनली फ़ोटो को यहाँ से शेयर वाल पे क्लिक करके सेव कर लेना है दोस्तों। लेके जाना है इस पिक को फाइनली हम लोग को अपना जो कि लाइट रूम के अंदर, क्योंकि दोस्तों यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है फाइनली उसको हम लोगों ने अपना लाइट रूम के अंदर ऐड कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, जस्ट एक प्रीसेट आप लोगों को और मिलेगा जो कि ये वाला प्रीसेट है। तो इस प्रीसेट का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कलर रिस्टचिंग करने के लिए भी। तो यहाँ आप लोगों को प्रीसेट को ओपन करके जाना है थ्री डॉट पे, और यहाँ आप लोगों को दोस्तों कॉपी सेटिंग का ऑप्शन हो जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस पर क्लिक करके जो कि राइट पे क्लिक कर लेना है, आप लोगों का हो चुका प्रीसेट कॉपी। और जो रियल पिक है उसको फाइनली ओपन कर लेना कुछ इस तरीके से दोस्तों। और यहाँ हम लोगों को फिर से जाना है थ्री डॉट पे और फाइनली पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आप लोगों का हो चुका कलर रिटचिंग की, जो कि काफ़ी मस्त तरीके से जो कि देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वन क्लिक में जस्ट अपना हेयर को जो कि एडिटिंग करना है ना दोस्तों, तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को आई बटन और एंड स्क्रीन दोनों पे मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देख कर जाकर उसको वन क्लिक में हेयर एडिटिंग करना सीख सकते हो दोस्तों। काफ़ी मस्त ऐप है और न्यू ऐप है, ठीक है।